हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं। तो पहली वीडियो में हमें आपको दिखाया था आर्किटेक एयर कूलर। तो ये मॉडल हमें इतना पसंद आया और इवन लोगों को इतना पसंद आया कि अब तक हमने जो है इसके 32 जो है यूनिट बेच चुके हैं अमेजोन पर। तो फ्रेंड्स, ये है इसका बेहतर मॉडल और हमें नहीं लगता कि ये ज़्यादा बेहतर है कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ कमियाँ भी हैं बट इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं। तो आप चाहो तो ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेजोन से ख़रीद सकते हैं। ये 2600 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। तो क्या फ़ायदे हैं इसके और क्या इसके फंक्शन हैं? तो जैसे आप देख रहे हैं, पुराने मॉडल में तो कागज़ डला हुआ था, जबकि इसमें जो है कागज़ की बजाय इसमें आपको कह सकते हैं एक प्रकार की स्पंज है, जो कि आप सोफे बनाने में लगाते हैं, पतला सा स्पंज टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि कूलिंग के लिए, जैसे इसमें तो कागज़ पानी उठाता है, जबकि इस मॉडल में आपको ये हर 2 या 3 घंटे में पानी से इसको गीला करना पड़ता है। मतलब इसमें पानी ये ऑटोमेटिकली नहीं उठाता है, आपको पानी में सोक करना पड़ता है। ठंडे पानी में करोगे तो ज़्यादा कूलिंग आएगी। तो इसको पानी में गीला करके जस्ट इसमें आगे रख दिया और इसको बंद कर दिया। और यहाँ पर भी पानी डाला जाता है, जो कि ये पानी नीचे नहीं जाता, जस्ट इसकी छत को ठंडा करता है। तो हमने कई रिव्यू देखे बट कोई भी एक्यूरेट नहीं बताता कि कूलिंग कैसे होती है। तो इसमें बार बार आपको इसका स्पंज गीला करना है। तो इसमें आपको ये बताया गया है पूरा, जैसे हम आपको बता रहे हैं, और हर हफ्ते जो है आपको इसका जो इसका स्पंज है उसको साफ करना है। आप चाहो तो इस स्पंज को रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें कोई फंक्शन नहीं है। तो इसको आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो पीजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो एक प्रकार का ये वरदान है। और जैसे इसमें फंक्शन दिया गया कि प्यूरीफायर या ह्यूमिडिफायर, तो ये सिर्फ हवा को थोड़ी हद तक प्यूरीफाई ज़रूर करेगा। और इसका जो फ़ायदा है, आप इसको कहीं पर भी कभी भी चला सकते हैं। हमारी पुरानी वीडियो में कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या हम इसको कार में चला सकते हैं कि नहीं। कार में आप ज़रूर चला सकते हैं, बट जब भी कार का झटका आएगा, जैसे जब भी शॉक लगेगा, तो मे बी वो इस कूलर के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो आप इसमें कार में आप इसको ना चलाएं। तो इसका नेट वेट जो है 800 ग्राम है, 10 घंटे कूलिंग का दावा है। ये इसकी यूनिट साइज है और कलर जो है आपका ब्लैक एंड वाइट। तो इस बॉक्स में आपको एक मेन यूनिट, एक यूएसबी केबल और यूज़र गाइड, जिसमें आप इसमें कैसे आपने इसको ऑपरेट करना है, तो कई भाषा में जो है इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। बट आप इसको आसानी से इसके आउट ऑफ बॉक्स में भी जो लिखा है आप उससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये हम चलाकर दिखाते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्यों बेहतर है, क्यों अच्छा है? तो फ्रेंड्स, सबसे फ़ायदा जो इसका है कि एक नॉइस लेस प्रोडक्ट है, आवाज़ बहुत कम करता है। इवन आप इसको पास में रख सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये कमरे में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं करता है। जब बहुत ज़्यादा ना हो तो ये कूलर बेस्ट होते हैं। और जो तीसरा फ़ायदा है, इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं। छोटा साइज होने के कारण आप किचन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ ऐसे यूनिक फ़ायदे हैं जो कि आपके बड़े या नॉर्मल कूलर नहीं कर सकते। तो इसको हम ऑन कर देते हैं। हमने इसको पावर बैंक से लगा रखा है। इसमें देखिए 2 कंट्रोलर हैं, एक से ये आपकी पावर यानी कि ऑन ऑफ होगा, और इसमें एक ही बटन से इसकी स्पीड भी घटेगी बढ़ेगी, जबकि इससे इसकी लाइट ऑफ होगी। जबकि इसमें जो है आपका, इसमें भी 2 बटन है, बट इसमें हम आपको चलाकर दिखाते हैं। जब भी आप इसको दबाओगे तो मैक्सिमम स्पीड पे ये चलेगा। मैं भी ये शायद ऑटो ऑफ हो जाता है, तो हमें दोबारा लगाना पड़ेगा इसको यूएसबी प्लग में। तो ये इसके साथ थोड़ी सी दिक्कत है, ये बार बार इसको आपको लगाना पड़ता है। तो ये हमने इसको चला दिया, ये मैक्सिमम स्पीड है, तो हम मैक्सिमम स्पीड से चेक करेंगे।
तो ये देखिए, आप अगर आपको सबसे पहले एयर फ्लो दिखाएं तो एयर फ्लो इसका अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ 1% कूलर है, ये नॉर्मल कूलर नहीं है। मतलब नॉर्मल कूलर तो आपको लेना ही पड़ेगा, बट ये है कि इसका कुछ अलग फ़ायदा है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग लोगों के लिए या छोटे छोटे बच्चों के लिए, बेबी के लिए, जिनको ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती, उनके लिए ये वरदान है। तो ये देखिए, इसकी रीडिंग जो है हाई स्पीड पर हम दिखा रहे हैं आपको। मे बी इसको आपको थोड़ा ऊपर कर लें तो बेहतर है। और सबसे अच्छी बात जो है, इसमें आप एयर फ्लो ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो ये रीडिंग आपकी आ रही है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये रीडिंग दे रहा है। टेम्परेचर आप नीचे देख रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है इस वक्त कमरे का 35 सेंटीग्रेड के आसपास है। तो साउंड लेवल जो है हम आपको दिखाते हैं मैक्सिमम स्पीड पर, तो थोड़ा सा नॉइजी है, जबकि पुराना मॉडल जो है काफी बेहतर था साउंड लेवल के मामले में। 69 dBi आप कह सकते हैं अगर हम टेम्परेचर देखें। तो ये हमारा थोड़ा सा दिखा रहा है, 35.5 सेंटीग्रेड है, और अब देखते हैं कि ये कितना दिखाता है। तो 19 सेंटीग्रेड दिखा रहा है, और अगर आप ये देखें, थोड़ा सा हम और कोशिश करते हैं, तो 11 तक जा रहा है। तो एक्चुअल में जो इसकी रीडिंग आ रही है, जो हमने सरपंच रखा हुआ है वो गीला है, तो उसकी रीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा एक कूलिंग दिखा रहा है, बट आपको इतनी एक्चुअल में फील नहीं होगी, तो इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं है। तो आप मिस अंडरस्टैंड मत करना, क्योंकि रीडिंग जो है इस स्पंज की दिखा रहा है, हवा इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है। अब जो है हम इसकी आपको फिजिकल एयर फ्लो दिखाते हैं। तो ये इसका एयर फ्लो है, तो ये 1% कूलर है, जिसको टेबल में पढ़कर पढ़ना हो, मतलब अपने पास रख के सोना हो, और कई गांव में जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं रहती है, उनके पास इन्वर्टर नहीं है, उनके लिए तो ये गैजेट बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि इसको किसी प्रकार की बिजली की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक पावर बैंक लेना होगा, और इसको आप रिचार्ज करके रखिए, और अपना ये छोटा सा कूलर आप लगातार चला सकते हैं। अब जो है हम इसकी स्पीड घटा लगातार चला सकते हैं अब जो है हम इसकी स्पीड घटा देते हैं, सेकंड मोड पे कर दिया है हमने, और एयर फ्लो भी इसका काफ़ी कम हो गया है। तो 1 कह सकते हैं आप, और साउंड लेवल भी आपका कह सकते हैं थोड़ा कम हो गया होगा, इम्प्रूव हो गया होगा, यानी कि 68 dBi कह सकते हैं। तो कूलिंग में जो है आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि ये स्पंज की रीडिंग दे रहा है, अगर हम कोशिश करें तो 12 सेंटीग्रेड है, क्योंकि रीडिंग जो है इसकी स्पंज की आ रही है। और एयर फ्लो के साथ साथ हम आपको फिजिकल दिखा देते हैं कि ये कितना एयर फ्लो दिखा रहा है। तो ज़्यादा एयर फ्लो नहीं है, और लो स्पीड पर जो है, अगर आपको ये हम दिखाएं, ये हमारी मिनिमम स्पीड है, इतनी मिनिमम स्पीड पे कोई भी कभी नहीं चलाएगा इस कूलर को। तो 0.8 मीटर पर सेकंड साउंड लेवल इम्प्रूव हो गया होगा इसका। 60 dBi है, और तो ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, अगर आपको हम करते हैं, ये देखिए 10.5 सेंटीग्रेड दिखा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं कि हमें, अगर हम अपना पर्सनली बताएं, तो हमें नहीं लगता कि आप इतना, मतलब महंगा बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्राइस देखें तो 2500 रुपये में इतना छोटा कूलर बहुत ओवर कॉस्टली है। अगर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तभी आप खरीदें, क्योंकि आपको नॉर्मल कूलर तो लेना ही होगा। तो इसका अगर कूलिंग आपको तभी फ़ायदा होगा जब आप इसको बिल्कुल पास रखें। तो 2% के लिए बिल्कुल नहीं है, इसको जस्ट आपने पास रखना है। ये पूरे कमरे को ठंडा बिल्कुल भी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। एक प्रकार का ये
इमरजेंसी कूलर है, और इसका सबसे फ़ायदा जो है बिजली की बचत का भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये सिर्फ 5 वाट लेता है, जबकि नॉर्मल आपका जो छोटा सा छोटा कूलर है वो भी 70 से 80 वाट जरूर लेगा। तो बिजली ये बिल्कुल नहीं खाता, ये इसका एक सबसे बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो प्राइस वाइज जो है बहुत ज़्यादा है, जबकि आपको ये नॉर्मल जो है नॉर्मल इसका पुराना मॉडल भी मिल जाएगा जो कि 1600 से लेकर 1900 तक मिल जाएगा। इसमें जो है कागज़ है, अगर आपको हम पास से दिखाएं, जबकि इसमें जो है आपको अगर वीडियो में दिख रहा होगा इसमें स्पंज डली हुई है। तो इस प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं, हम वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अमेज़ोन से हमने इसको ख़रीदा है तो 2600 रुपये के आसपास है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो जाते जाते इसका हम फुल स्पीड आपको दिखा देते हैं एक बार। इससे जो है इसकी लाइटें बंद हो जाती हैं, और ये जो है आपको अगर दिखाएं एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है। अगर आप एयर फ्लो की बात करें पुराने मॉडल से कई गुना बेहतर है। ट्रिपल आप कह सकते हैं कि प्रॉपर हमारा लग नहीं रहा, ये रीडिंग थोड़ा गलत दे रहा है। तो एयर फ्लो के मामले में काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, बट यही है कि हर एक एक दो दो घंटे में आपको इसका जो स्पंज है पानी में डिप करना पड़ेगा जिससे इसकी कूलिंग बनी रहे। धन्यवाद।